केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का काला सच, क्लिक कर जानिए। कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा शो है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन क्या आपको टीवी पे दिखाए जाने वाले सभी चीजें सच होती है? हमें बहुत से ऐसे लोगों से पूछा जो केबीसी शो देखने गए थे। उनसे हमें बहुत सी ऐसी बातें मालूम पड़ी जो शायद ही किसी को पता होंगी। एक, केबीसी में आपको अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लेने नहीं दिया जाता, क्योंकि केबीसी के मंच पे कोई भी चीज ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि पेन पेपर या कोई भी खाने पीने की चीजें। लेकिन शो खत्म होने के बाद आपको अमिताभ बच्चन के साथ एक ग्रुप फोटो लेने का मौका दिया जाता है, जिसमें एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपकी फोटो खींचता है। दो, आपने देखा होगा कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतने के बाद कंटेस्टेंट तुरंत हॉट सीट पर आके बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंटेस्टेंट सिलेक्ट होने के बाद का सीन काट दिया जाता है। इस दौरान मेकअप मैन आकर अमिताभ बच्चन का मेकअप करता है और फिर शूटिंग शुरू होती है। तीन, अमिताभ बच्चन शो के दौरान जो भी बोलते हैं वे सबस्क्रिप्टेड होता है। जो कुछ अमिताभ बच्चन को बोलना होता है वे सब कुछ एक टीवी पे लिखा होता है, जो कि कैमरा के बिल्कुल बाजू में लगी होती है। टीवी में अमिताभ बच्चन को सभी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। चार, आपने केबीसी में कभी बच्चों को ऑडियंस में बैठा हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि शो में बच्चे भी आते हैं जिनको कमरे के बाजू में बैठा दिया जाता है और सिर्फ बड़े लोगों को ही कैमरे में दिखाया जाता है।